लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 7 चरणों में चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। ऐसे में कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने 7 चरणों में चुनाव कराए जाने पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस विधायक ने कहा कि हरियाणा एक छोटा प्रदेश है, जहां पहले चरण में ही चुनाव संपन्न कराने चाहिए थे, लेकिन 7 चरणों में चुनाव होने से बीजेपी को इसका सीधा फायदा होगा। देखिए, हरियाणा का तो हम हर बार ही देखते हैं कि आखिरी चरणों में चुनाव करवाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है हरियाणा एक छोटा प्रदेश है, इसको तो कम से कम इनको पहले जो चरण था उसके अंदर चुनाव करवा देना चाहिए। और आप देखिए, जब ये कहते हैं एक देश एक चुनाव की बात भाजपा करती है, और फिर भी 7 चरणों के अंदर चुनाव कराए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं 2004 के अंदर केवल मात्र 3 चरणों में चुनाव हुए थे। तो मुझे लगता है जिस तरह से टेक्नोलॉजी का जो विस्तार देश के अंदर हुआ है, ये डिजिटल भारत की बात करते हैं, उसके बावजूद भी 7 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इसका फायदा लेना चाहती है भाजपा।